आय व्यय का हिसाब मांगने पर सामान्य सभा छोड़ भागे सीएओ निखिलेश कटारे, जनपद सदस्यों ने लगाया अपमान का आरोप। डिंडोरी जनपद कार्यालय में 28 जून दिन शुक्रवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में आय व्यय का हिसाब मांगने पर सीएओ निखिलेश कटारे बैठक छोड़कर चले गए, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से शिकायत कर जनप्रतिनिधियों के अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उल्लेख है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद समेत सदस्यों को 27 जून को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सामान्य सभा की बैठक रखने के लिए पत्र जारी किया गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सभी जनपद सदस्यों के मीटिंग हॉल में उपस्थित होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत कर्मचारी उपस्थित हुए। समस्त जनपद सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से 1 जुलाई 2022 से आज दिनांक तक के आय व्यय की जानकारी मांगने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी निखिलेश कटारे जानकारी न देते हुए सामान्य सभा की बैठक छोड़कर अपने चेंबर में चले गए, जिससे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष व सभी जनपद सदस्यों के मान सम्मान को ठेस पहुँची है। जनपद सदस्यों ने कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत करते हुए पत्र में उल्लेख किया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सभी जनपद सदस्यों के अपमान को देखते हुए उचित कार्यवाही की जाए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष आशा धुर्वे, उपाध्यक्ष राम किशोरी ठाकुर, सदस्य ननकू सिंह परस्ते, लेखनी बाई, ममता देवी, मोना हीरोंदे, ओम प्रकाश माको, कोमल माको, राम किशोरी ठाकुर, राकेश परस्ते, धनराज पूशाम, संतोष चंदेल, राकेश परस्ते, बब्बू परस्ते समेत समस्त सदस्य मौजूद रहे हैं। जनपद सदस्य कलेक्टेड आए हुए क्या मांग थी सर? हम जनपद सदस्यों का सर बैठक लग रहा है समान सभा, तो उसमें जो 15 वित्त का 2023 और 2024 का जो राशि आया था सर, तो उसमें जानकारी मांगे थे, गिरीश तिवारी के द्वारा नहीं दे रहा सर, दूसरे पंचायत में दे दिया। और सभी सदस्यों का वो है कि कम से कम हम सभी सदस्यों को तो बताना चाहिए, प्रस्ताव करना चाहिए, लेकिन बिना जनपद सदस्यों के भैया पूछे ही वो पंचायतों में दे दिए। क्या मांग करते तो सर उसके गिरीश तिवारी का कार्रवाई होना चाहिए सर, जो हमारा अधिकार का हनन हो रहा है जनपद सदस्यों। ये आज आप लोग जो है कलेक्टेड आए हुए हैं, क्या मांग? जी हमारे जनपद सदस्य जनपद सम्माननीय सभी जनपद सदस्य आए हैं। कल हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डिंडोरी जनपद के एक लेटर जारी किया गया है, जो कि 28 आज की डेट में सामान्य सभा बैठक का लेटर जारी था। उसमें सम्माननीय सभी जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सभी लोग मिलजुल के आए, यहाँ सुचारू रूप से बात चलती रही। कटारे साहब भी आए, हमारे जो सीओ साहब हैं वो भी आए। कुछ हमारे सामान्य सदस्यों का कुछ मांग था कि जो इनको जानकारी लगा था कि हमारे जनपद पंचायत से हमारे बिना अनुमति के कुछ राशि किसी पंचायत में अधिकारियों के तालमेल से दे दिया गया है, जिसका सभी सामान्य जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष विरोध कर रहे थे। उसकी जानकारी मांगने पर सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा चैम्बर से उठकर लगी सामान्य सभा की बैठक से उठकर भाग गए अपने चैम्बर के लिए। जिसका शिकायत बिल्कुल सरासरा अन्याय है। एक जनप्रतिनिधियों को भागना चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल ये टाइप से कृत्य बिल्कुल शोभनीय नहीं है। कहीं ना कहीं सभी जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्षों का अपमान है, बिल्कुल उनमें कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? अपर कलेक्टर पास गए थे, कलेक्टर साहब ने बोले थे अपर कलेक्टर पास जाए, अपर कलेक्टर साहब बोले बिल्कुल संज्ञान में देते हुए उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी बिल्कुल किया जाएगा।